दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छा स्किन ब्राइटनिंग मास्क बना के दिखाऊंगी, जो दोस्तों आप घर पे इजीली बना सकते हैं। आपको कोई पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, पर आपकी स्किन उतनी ही ज्यादा चमकेगी जितना आप चाहते हैं। और दोस्तों ये आपकी स्किन से जो भी एक्ने स्पॉट्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, या कोई भी आपकी स्किन में स्पॉट्स है, उसको ये हील करेगा, उसको रिमूव कर देगा। और दोस्तों ये ब्लीच का भी काम करता है। और दोस्तों साथ ही साथ आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा ड्राई, डेड और डल हो गई है, ये उसको भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, ग्लोइंग बनाएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आज मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे गुआवा। दोस्तों गुआवा यानी कि अमरूद जो होती है, ये विटामिन ए, बी, सी, ई और विटामिन के में रिच होती है। दोस्तों ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है आपके स्किन के लिए। और दोस्तों जितना ये खाने में टेस्टी होता है, उतना ये लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों ये जो सारे इसके विटामिन और मिनरल्स हैं, ये आपके स्किन के अंदर जाते हैं, उसको हील करते हैं, आपके स्किन को रिपेयर करते हैं और दोस्तों बहुत ज्यादा ब्राइट बनाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपके स्किन को ये एंटी एजिंग फॉर्मूला का काम करता है। तो दोस्तों आपकी स्किन हमेशा स्मूथ रहती है और बहुत ही टाइट रहती है, इवन टोन्ड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको चाहिए कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लीन लगे, फ्रेश लगे और बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज भी हो, तो आप इसको जरूर अप्लाई करें। और दोस्तों ये आपके स्किन को उतना ही अच्छा बनाएगा जितना कि आप चाहते हैं। और दोस्तों सेकंड में यहाँ पे यूज कर रही हूँ हनी का। हनी भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और दोस्तों हनी आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो लाता है, जो कि आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट से नहीं ला सकते। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्श नहीं होता और स्किन को बहुत अच्छे से आपके मॉइस्चराइज करता है। और दोस्तों हम यहाँ पे यूज करेंगे लेमन। लेमन एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइटन अप करते हैं, उसको बिल्कुल ब्लेमिशेस पिगमेंटेशन को दूर भगाता है और दोस्तों आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ एंड ग्लोइंग बनाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 1/4 ऑफ अ गुआवा लिया है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा पका हुआ जो अमरूद होता है उसको यूज करें, ताकि उसको ब्लेंड करने में या मैश करने में आसानी हो। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो गुआवा है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट ली है। अब दोस्तों इसको हम यहाँ पे क्रश कर लेंगे, ताकि ये एक स्मूथ पेस्ट के फॉर्म में आ जाए और दोस्तों फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप इसको क्रश करें, या तो फिर आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं और दोस्तों ऐसे इसको एक स्मूथ पेस्ट बना ले। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली इसको मैश कर लिया है, बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन गया है, क्योंकि दोस्तों ये जो गुआवा था ये राइप था, तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छे से पेस्ट बन गया है। अब दोस्तों इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये करीब 3 टीस्पून के करीब यहाँ पे गुआवा जो हुआ है, अब इसको हम यूज करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये करीब 3 टीस्पून के करीब यहाँ पे गुआवा का पेस्ट बना है, बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि इसके साथ ये 1 टीस्पून ऑफ हनी हम ऐड करेंगे। दोस्तों आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और दोस्तों आप उस हिसाब से लगाएं। और दोस्तों इसमें हम लेमन के ड्रॉप्स यूज करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे करीब 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड करूंगी। और दोस्तों अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छा एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है और दोस्तों स्किन से सारे टैन, दाग धब्बे को ये हटा देता है और दोस्तों बहुत जल्दी बन जाता है। तो दोस्तों आप देखें कि ये कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट बन गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ बना है। अब दोस्तों अब क्या करें कि अपने फेस को आप अच्छे से क्लीन कर लें और इसको आप अप्लाई कर लें।
बिल्कुल अच्छे से लगा है। इसका जो दोस्तों जूस है वो आपकी स्किन को वाइटन करेगा, बहुत अच्छे से फेयर बनाएगा और ग्लोइंग बना देगा। तो दोस्तों इसको जरूर ऐसे रखें, आप 30 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से धो लें। तो दोस्तों 30 मिनट्स हो गए थे, देखिए मैंने हाथों को धो लिया है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड हो गई है और दोस्तों स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर ली है। और डेफिनेटली दोस्तों इसका जो एक्सट्रैक्ट है ये मेरे स्किन के ऊपर काम किया है, दोस्तों स्किन को बिल्कुल ही फेयर एंड ग्लोइंग बना दी है। तो दोस्तों डेफिनेटली इस अमरूद के मास्क यानी कि गुआवा के मास्क को आप जरूर ट्राई करें, आपको भी बहुत अच्छे इफेक्ट मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे और आप देखेंगे आपकी स्किन कैसे चेंज हो जाएगी। तो डेफिनेटली दोस्तों इसको ट्राई करें, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, थैंक यू।